देखिए, अब हमारे कल चल रही थी थ्योरम्स। कौन कौन सी थ्योरम, कैसी थ्योरम चल रही थी? रिंग की दो थ्योरम कर ली थी हम लोगों ने, रिंग की दो थ्योरम कर ली थी, थ्योरम नंबर फर्स्ट और थ्योरम नंबर सेकंड, जो कि अपन के यूनिट थर्ड के अंतर्गत आता है। अभी अपन उससे आगे वाली थ्योरम करेंगे। उससे क्या करेंगे? आगे वाली थ्योरम करेंगे, और बड़ी ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आगे वाली जो है आपके। कि एक रिंग दे रखी है आपको जेड पी, पहले अपन साफ कर लेते हैं। देखो, एक रिंग दे रखी है जेड पी, कि एक रिंग दे रखी है जेड पी, उसमें किस प्रकार के एलिमेंट है? 0, 1, 2, ... p-1, 0, 1, 2, ... कितने हैं? p-1, यानी p एलिमेंट है। क्रॉस p, इसमें आपको क्या दे रखा है? प्लस p और क्रॉस p, इसमें आपको डॉट p दो, एक तो ऐसे लिख दो, प्लस पी दे रखा है और क्रॉस की जगह डॉट पी, मल्टीप्लीकेशन है। जो आपको दो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं, जेड पी में क्रॉस पी प्लस पी, दो बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं। और ये कह रहा है कि ये जो रिंग है आपके, ये जो रिंग है, थ्योरम ये कह रहा है कि ये जो रिंग है इस प्रकार की, जिसमें ये बाइनरी ऑपरेशन है, इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये कौन सा डोमेन कहलाती है? इंटीग्रल डोमेन कहलाती है इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम नंबर। पी इज एक कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर हो, तो ये आपके कौन सा कहलाएगी? इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन, अब इंटीग्रल डोमेन के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी जरूरी होती है, तो वो देखो। एक रिंग इंटीग्रल डोमेन कहलाता है यदि वो कम्यूटेटिव हो क्रॉस के लिए, ठीक है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो क्रॉस के लिए, आइडेंटिटी बिलोंग करती हो क्रॉस के लिए, यानी आठ के अलावा तीन प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा आ जाती है। तो हम लोग पहले रिंग लेके चलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे, और ये तीन प्रॉपर्टी और दिखाएंगे। या पहले ऐसे करो, लेके चलो कि ये इंटीग्रल डोमेन है, पहले हम क्या करेंगे, लेके चलेंगे कि इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ वाली है, और दिखाएंगे पी एक प्राइम नंबर है, फिर हम लोग लेके चलेंगे कि पी एक प्राइम नंबर है, ये इंटीग्रल डोमेन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ देखो कि ये रिलेट क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या, देखो रिलेट क्या कर रहा है, इंटीग्रल डोमेन को और रिंग को रिलेट कर रहा है सिर्फ एक वर्डिंग से। वहां तो तीन शब्द चाहिए आपको, कॉम्यूटेटिव चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर्स चाहिए। यहां इसने सिर्फ एक ही नंबर से एक पर्टिकुलर रिंग को उसने डिसाइड कर दिया कि ये इंटीग्रल डोमेन होगा। क्या कि ये जो पी टाइप का जो एलिमेंट है यहां पे आप लगा रहे हो, ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये एक कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर हो। ये एक कौन सा नंबर हो? प्राइम नंबर हो। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर वन बाई वन इसका क्या स्टार्ट करेंगे प्रूफ। देखो स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम नंबर थर्ड ऑफ रिंग, रिंग का थ्योरम नंबर थर्ड। बले जेड पी, थ्योरम नंबर है थर्ड, बले जेड पी प्लस पी और डॉट पी, एलिमेंट के बारे में पता है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। एक पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि, एक पूर्णांकीय प्रांत, पूर्णांकीय प्रांत होगा यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि
पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक कौन सी संख्या है, अभाज्य प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं कि ऐसे नंबर्स जो ग्रेटर देन वन, नंबर्स विच आर ग्रेटर देन वन एंड डिवाइड बाय इट्सेल्फ या हैज नो एनी फैक्टर एक्सेप्ट इट्सेल्फ, खुद के अलावा कोई फैक्टर ना हो या खुद से ही डिवाइड होता हो और वन से बड़ा हो, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इन इंग्लिश देख लो, रिंग जेड पी प्लस पी एंड डॉट पी प्लस पी डॉट पी इज एन इंटीग्रल डोमेन, इज एन इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ, इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम नंबर, पी इज प्राइम नंबर, पी आपके कौन सा नंबर हो, प्राइम नंबर हो, तो ये आपके क्या कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। चलो हम लोग करते हैं, तो पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले तो जेड पी प्लस पी और क्रॉस पी के बारे में देखो, इसमें किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं, तो मॉडलो पी हम लोग जानते हैं, मॉडलो पी, एडिशन मॉडलो पी और क्रॉस मॉडलो पी, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन है, जो ये क्रॉस के नीचे पी लग रहा है और प्लस के नीचे पी लग रहा है, ये एडिशन मॉडलो पी और क्रॉस मॉडलो पी है। एडिशन मॉडलो पी का मतलब है वो वाला शेषफल जब ए कॉमा बी ए प्लस बी में हम पी का भाग दें तो प्राप्त शेषफल आता है, वो तो होता है एडिशन मॉडलो पी। और क्रॉस मॉडलो पी होता है कि ए इंटू बी में हम लोग पी का भाग दें तो प्राप्त शेषफल, वो वैल्यू आती है इनकी, प्राप्त शेषफल। तो ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मान के चलेंगे सबसे पहले कि जेड कॉमा पी, जेड प्लस पी क्रॉस पी, ये सारे के सारे आपके कौन से ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन, सॉरी ये जेड पी प्लस पी और क्रॉस पी एक इंटीग्रल डोमेन है, और देन दिखाएंगे हम लोग कि पी आपके क्या है, प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हम मानेंगे मान लिया कि जेड पी, पी एक प्राइम नंबर है और जेड कॉमा पी एक क्या है, बले है। उल्टा पहले प्राइम नंबर लेके चल रहे हैं क्योंकि सेकंड पार्ट इसी की सहायता से होगा, प्रूफ। लेट जेड कॉमा पी प्लस पी और डॉट पी वी एन रिंग, मान लिया, अच्छा हिंदी में लिखना है अपन के, तो माना जेड पी कॉमा प्लस पी कॉमा डॉट पी एक बले है, बले है, तथा पी एक कौन सी संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक अभाज्य संख्या है जहां, अब जेड पी में किस प्रकार के एलिमेंट होते हैं हम लोग जानते हैं, इंटीजर्स होते हैं, वन टू डॉट 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 कितना, पी माइनस वन। सिंस जेड पी इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड पी पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, अतः इसमें पूर्णांकों का समुच्चय, हमको प्रूफ तो ये करना है ना कि पहले, इससे पहले चाहे आप लोग लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो कि हमें प्रूफ करना है, अब हमें सिद्ध करना है कि अब हमें सिद्ध करना है, पहले ऐसे लिख लो तो क्लियर हो जाएगा क्या करना है, अब हमें सिद्ध करना है, नाउ वी हैव टू सो दैट, अब हमें सिद्ध करना है, मैं इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ, नाउ वी हैव टू सो दैट, सिद्ध करना है कि जेड पी प्लस पी और डॉट पी
वी एन इंटीग्रल डोमेन, एक कौन सा प्रांत है, एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है, ये सिद्ध करना है। अब पूर्णांकीय प्रांत का मतलब एक सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, ये प्रूफ करना है हमको विदाउट जीरो डिवाइजर्स। मैंने बताया था आपको डोमेन का डेफिनेशन इंटीग्रल डोमेन का कि एक सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट यानी कि हमको ये दिखाना है, दैट इज हमको ये दिखाना है कि जेड प्लस पी डॉट पी एक ऐसा क्रम विनिमय, एक ऐसा क्रम विनिमय तत्समक वलय है, तत्समक वलय है जिसके पास शून्य के भाजक नहीं है, या ऐसे लिख सकते हो दैट इज वी हैव टू शो दैट जेड प्लस पी क्रॉस पी इज एन सी आर यू कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स, विदाउट जीरो डिवाइजर्स शून्य के भाजकों से क्या है, रहित है। अब आपको पता है सबसे पहले आपको क्रम विनिमय दिखाना है, तो आप सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो देखो सेट ऑफ इंटीजर्स है तो देखो डॉट पी के लिए आपके इसके लिए आइडेंटिटी कौन होता है, वन जो कि इसमें है, और इंटीजर्स क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए डॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होते हैं, क्रम विनिमय होते हैं कि नहीं, इसका मतलब है ए डॉट बी में आप भाग दो पी का तो प्राप्त शेषफल, और इसका मतलब है वी डॉट ए में भाग दो आप पी का तो प्राप्त शेषफल, तो शेषफल तो हमेशा क्या आएगा, बराबर ही आएगा ना। तो ये आपके क्रम विनिमय भी हो गया, आइडेंटिटी भी हो गया, सिर्फ आपको सी आर यू हो गया, क्रम विनिमय सी आर यू हो गया, सिर्फ ये दिखाना है जीरो डिवाइजर्स। अब यहाँ पे जीरो डिवाइजर्स तभी नहीं होंगे जब पी ए कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, तो पी ने हम पी को हम लोग प्राइम नंबर लेके चले हैं, तो यहाँ पे आपके विदाउट जीरो डिवाइजर्स भी आ जाएगा। तो सिंस क्या लिखेंगे, देखो सिंस जेड पी इज सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर जेड पी एक पूर्णांकों का समुच्चय है, जेड पी एक ऋणेत्तर पूर्णांकों का समुच्चय है, ऋणेत्तर का मतलब समझते हो नॉन नेगेटिव, सारे पॉजिटिव या ग्रेटर देन जीरो है, ऋणेत्तर पूर्णांकों का समुच्चय है इसलिए वन बिलोंग करेगा किसमें, जेड पी में, वन बिलोंग करेगा किसमें, बिलोंग करेगा आपके जेड पी में। एंड या डायरेक्ट अगर इन लैंग्वेज में कहो तो ऐसे कह सकते हो, इसलिए जेड पी में तत्समक भी विद्यमान होगा तथा क्रम विनिमय भी होगा, जेड पी में डॉट पी संक्रिया के लिए गुणन तत्समक जिसको कहते हैं, इसके तत्समक को गुणन तत्समक नाम देते हैं, गुणन तत्समक भी विद्यमान होगा जो कि वन है, आपके वन है ना सेट में, देखो ऊपर गुणन तत्समक भी विद्यमान होगा तथा डॉट पी जेड पी में क्रम विनिमय भी होगा, क्रम विनिमय भी होगा, क्योंकि डॉट पी का मतलब तो समझ दो, दैट इज जेड कॉमा पी, जेड पी दैट इज जेड पी कॉमा प्लस पी कॉमा डॉट पी एक तत्समकी क्रम विनिमय वलय है, तत्समकी
क्रम विनिमय तत्समक की क्रम विनिमय बल है सी आर यू, तत्समक की क्रम विनिमय बल सी आर यू है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो अब हम सिर्फ ये दिखाएंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे कि इसके पास कोई भी क्या नहीं है, जीरो डिवाइजर्स नहीं है। सी आर यू तो हो गया ना क्रम विनिमय में, जो कि शून्य के, जिसके पास शून्य के भाजक नहीं है, नहीं है विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो अब हम सिद्ध करेंगे कि इसके पास जीरो डिवीजर्स नहीं है। अब हम सिद्ध करेंगे दो पार्ट तो हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे कि नाउ वी सेल सो दैट, सिद्ध करेंगे कि जेड पी प्लस पी और डॉट पी शून्य के भाजकों से रहित है, शून्य के भाजकों से रहित है। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें विदाउट जीरो डिवाइजर्स तभी होगा, जीरो डिवाइजर्स तभी नहीं होंगे जब आपके पी ए कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। उसका रीजन आप लोग नीचे देख लो कैसे। अब सिंस पी इज प्राइम नंबर है तो देयर एग्जिस्ट टू एलिमेंट एक्स डॉट पी, ध्यान से देखना, पी एक प्राइम नंबर है, सिंस पी एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अतः देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड, देयर एग्जिस्ट टू पॉइंट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर जेड पी, अपन तो जेड पी की बात कर रहे हैं, तो जेड पी सच दैट, दो पॉइंट अगर पी प्राइम नंबर है तो सच दैट दो पॉइंट इस प्रकार होंगे कि एक्स डॉट एक्स मॉडलो डॉट पी, एक्स मल्टीप्लीकेशन डॉट पी की वैल्यू आपके क्या होगी, जीरो। एक्स डॉट पी वाई की वैल्यू आपके क्या होगी, जीरो। दैट इज के एक्स डॉट पाई, एक्स डॉट इसका मतलब है, एक्स डॉट वाई का मतलब होता है तब, एक्स डॉट इसका मतलब होता है, ध्यान से देखना, एक्स डॉट पी वाई का मतलब होता है कि पी डिवाइड कर रहा है एक्स वाई को, ऐसे नहीं, आप लोग एक ऐसे लिखते हो एक्स वाई डिवाइड पी, इसका मतलब ये है पी डिवाइड कर रहा है एक्स वाई को, देन या तो देन पी डिवाइड करता है एक्स को या पी डिवाइड करता है किसको, वाई को। अगर पी दो प्राइम नंबर, अगर दो के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करता है, दो प्राइम नंबर के जैसे मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करता है, दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को, तो वो पी को भी डिवाइड, एक्स को भी डिवाइड करेगा और किसको भी डिवाइड करेगा, वाई को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पे लिख दोगे सिंस पी ए कौन सा नंबर है, पी इज प्राइम नंबर, तो इसका मतलब तो ये होता है कि ये तब हटा दो अगर एक्स पी अगर डिवाइड, इसका मतलब होता है एक्स पी डॉट बाई का मतलब होता है कि पी डिवाइड करे एक्स, एक्स बाई को, तो पी डिवाइड करेगा एक्स को या ये डिवाइड करेगा एक्स को। अब ये तब वर्ड इसलिए लगा रहे हैं हम लोग क्योंकि एक्स डॉट पाई पी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब पी डिवाइड कर रहा है एक्स बाई को, तो पी डिवाइड करेगा एक्स को, पी डिवाइड करेगा बाई को। दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, अगर मल्टीप्लीकेशन जीरो है, मल्टीप्लीकेशन इसका मतलब पी आ रहा है, तो इसका मतलब पी डिवाइड कर रहा है एक्स वाई को, और पी दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड कर रहा है तो वो खुद को भी डिवाइड करेगा, इन नंबर्स को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है। मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन को कौन डिवाइड कर रहा है, पी डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन को पी डिवाइड कर रहा है, तो पी एक्स को भी डिवाइड कर रहा है, पी वाई को भी डिवाइड कर रहा है, तो पी यानी कि जीरो को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज दैट या तो एक्स इक्वल टू जीरो है या फिर वाई इक्वल टू क्या है, जीरो है।
अब अगर ये प्रूफ हो जाए कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन जीरो है और यदि x इक्वल टू जीरो है या y इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। इसका मतलब क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स है। जहाँ पे x और y आपके x और y किस किस के बीच में है, जीरो से बड़े बराबर है x और p से छोटा है। सिमिलरली जीरो से बड़ा बराबर है y और p से छोटा है आपके, इस प्रकार के एलिमेंट है। अगर प्राइम नंबर, जैसे कि प्राइम नंबर आप ले लो 5, प्राइम नंबर 5 ले लो या कोई और ले लो, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन को अगर 5 डिवाइड करे, मल्टीप्लीकेशन को 5 डिवाइड करे, जैसे कि 5 और 3 है, 5 और 3 है, 5 आपने ले लिया 5 और 3, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, 5 और 3, तो 5 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कौन होता है, 15, तो 15 को डिवाइड करता है 5, तो आइधर 5 को डिवाइड करेगा या 3 को, तो 5 को तो डिवाइड करता ही है। तो वही वाला है कि अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करे, तो आइधर वो x को डिवाइड करेगा या फिर किसको करेगा, y को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट कि इट इज़ द विदाउट जीरो डिवाइजर्स। इसका मतलब अतः जेड पी प्लस पी और डॉट पी शून्य के भाजकों से रहित है, शून्य के भाजकों से रहित है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स। जेड पी प्लस पी क्रॉस पी विदाउट जीरो डिवाइजर्स। अब ऊपर देखो, ऊपर क्रम विनी में तत्सम की वलय हो गया, सी आर यू हो गया, नीचे विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो रहा है। देन वी कैन से ईजली जेड पी प्लस पी क्रॉस पी इज आपके कौन सा है, दैट इज, यहाँ पे इसका मतलब है उपर्युक्त अनुसार, उपर्युक्तानुसार फ्रॉम अबव जेड पी प्लस पी और डॉट पी एक तत्समकी क्रम बिनी में वलय, क्रम बिनी में वलय जो कि शून्य के भाजकों से रहित है, जो कि शून्य के भाजकों से रहित है, शून्य के भाजकों से रहित है। इंग्लिश वाले लिखो, From above, ZP is CRU without zero divisors. English वालों के लिए easy है, ZP plus P cross P dot P is CRU without zero divisors. Hence, ZP is an integral domain. क्योंकि 11 property होगी ना, फलत है हम लोग कह सकते हैं hence ZP dot P is एन इंटीग्रल डोमेन। फलते हम लोग क्या कह सकते हैं कि जेड पी प्लस पी और मल्टीप्लीकेशन पी मॉडलो पी इज एन इंटीग्रल डोमेन, एक पूर्णांकीय प्रांत है। एक क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। ये जो है ना, कि अगर इनका मल्टीप्लीकेशन जीरो है तो ये सिर्फ प्राइम नंबर के केस में ही होता है, बाकी केस में ये नहीं होगा, ठीक है। बिलोंग तो कन्वर्सली हम लोग लेके चलेंगे कि पूर्णांकीय प्रांत है, तो पी प्राइम नंबर हो गया, तो हमने रिंग में ये प्राइम नंबर ले लिया और दिखा दिया पूर्णांकीय प्रांत है, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत और प्राइम नंबर में रिलेशन दे रहा है, अच्छा रिलेशन दे रहा है। तो अपन अब क्या करेंगे, अब उल्टा मान के चलेंगे, दोनों तरफ से प्रूफ पढ़ना होता है। तो कन्वर्सली भी सपोज दैट बिलोंग तो हम मान के चलेंगे कि जेड पी प्लस पी और डॉट पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, और हम लोग सिद्ध करेंगे कि पी इसमें एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। तो पी को प्राइम नंबर करने के लिए बस इतना दिखा दो आप कि डेफिनेशन तो क्या होती है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि नंबर ग्रेटर देन होना चाहिए एक से, और वो खुद से ही डिवाइड होना चाहिए केवल। या दूसरी डेफिनेशन ये वाली भी होती है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करता है, दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को, और उनमें से या तो वो पहले वाले को डिवाइड करे और या दूसरे वाले को डिवाइड करे,
देन वो नंबर कौन सा नंबर कहलाता है, आपके प्राइम नंबर कहलाता है, ये दूसरी डेफिनेशन होती है। तो अपन यही वाली डेफिनेशन यहाँ पे काम में लेंगे। तो बिलोंग तक कन्वर्सली हम लोग मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे कि जेड पी प्लस पी कॉमा क्रॉस पी एक कौन सा डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांक की है, प्रांत है। और हम लोग दिखाएंगे कि पी जो है रिंग में एक कौन सा नंबर है, आपके प्राइम नंबर है। तो विलोम तय माना पूर्णांकीय प्रांत, विलोम तय माना, कन्वर्सली वी सपोज दैट विलोम तय माना जेड प्लस पी, जेड प्लस एडिशन मॉडलो पी मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी एक पूर्णांकीय प्रांत है। कन्वर्सली वी सपोज दैट जेड पी एडिशन मॉडलो पी मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी वी एन इंटीग्रल डोमेन एक पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है, ये मान लिया। तब इसकी परिभाषा से, तब बाई द डेफिनेशन, बाई इट्स डेफिनेशन, तब इसकी परिभाषा से ये एक जेड पी प्लस पी डॉट पी एक तत्सम के क्रम विनिमय बलय होगा जिसके पास क्या नहीं है, जीरो डिवाइजर्स नहीं है। एक परिभाषा से देन बाय द डेफिनेशन ऑफ देन इट्स डेफिनेशन वी हैव से जेड एक तत्समकी, ऐसा तत्समकी क्रम विनिमय बलय है, ऐसा तत्समकी क्रम विनिमय बलय है, तत्समकी क्रम विनिमय बलय है, तत्समकी क्रम विनिमय बलय बलय है जिसके पास शून्य, जो कि शून्य के भाजकों से रहित है, जो कि शून्य के भाजकों से रहित है, शून्य के भाजकों से रहित है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स, भाजक रहित है। देन इट्स डेफिनेशन वी हैव जेड पी इज सी आर यू कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवीजर्स, जीरो डिवाइजर्स। दैट इज इफ x डॉट p इंटू वाई इक्वल टू जीरो है, देन या तो x इक्वल टू जीरो होगा और या फिर क्या होगा, y इक्वल टू जीरो। अगर p एक विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, फॉर ऑल, फॉर एनी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड पी, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड पी के एक्स ये पी नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी की वैल्यू जीरो है। अगर ये वैल्यू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट आइदर एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो होगा। फॉर एनी एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू किनी, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड कॉमा पी के लिए, ठीक है, ये वाली होगी। ये किससे है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन है। ये किसकी है, विदाउट, प्राइम नंबर की नहीं है, प्राइम नंबर तो हमको शो करना है, विदाउट जीरो डिवाइजर्स इसकी डेफिनेशन है ये, ठीक है। वी हैव टू सो दैट, नाउ वी हैव टू सो दैट, हमको क्या शो करना है कि पी एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अब हमें सिद्ध करना है कि पी एक कौन सा नंबर है। अब हमें शून्य के भाजक रहे थे तो ये वाला रिजल्ट एम्प्लाई हो गया। अब हमें सिद्ध करना है कि पी एक प्राइम नंबर है, सिद्ध करना है कि P एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। P इज प्राइम नंबर, तो इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। आपके आप लोग कहोगे सर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट है भाई, ये रिजल्ट है,
अगर विदाउट जीरो डिवाइड जैसे तो ये तो होगा कि ये जीरो को एंड का दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो तो आइदर एक्स इक्वल टू जीरो और आइदर वाई इक्वल टू जीरो। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इसीलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि हमको सिद्ध करना है पी प्राइम नंबर। अब पी प्राइम नंबर कब होता है तो रिजल्ट यही है, या तो वो ग्रेटर देन वन और डिवाइड इट सेल्फ, तो वो तो यहाँ पे होगा नहीं होगा, या फिर पी अगर किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड करे तो वो या तो एक्स को करे या वाई को करे, तो वो भी यहाँ पे कैसे लाओगे क्योंकि ऊपर कंडीशन नहीं है। ऊपर हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन है। अब इस कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे सिर्फ आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड ही लगा सकते हो। अब कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कैसे लगाओगे कि यदि संभव हो तो मान लो कि पी प्राइम नंबर नहीं है, उल्टा मान लो, आपको प्राइम नंबर प्रूफ करना है। मैंने इसलिए वाली लाइन लिखी है कि संभव हो तो मान लो कि पी एक कौन सा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, और वापस कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो कि ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, तो वापस गलत हो जाएगा। हेंस अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि हमारी अजम्पशन रॉन्ग है कि पी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो पी एक कौन सा नंबर हो जाएगा, प्राइम नंबर। तो जब डायरेक्टली हम लोग प्रूफ नहीं कर पाए तो ऊपर जो दिए गए रिजल्ट से उन्हीं को लेते हुए उनको गलत प्रूफ कर दो वाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, वाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, या जिसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हम माना पी एक कौन सा नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। यदि संभव हो तो माना, यदि लेट इट पॉसिबल, यदि संभव हो तो माना, संभव हो तो माना P is not a prime number, P एक अभाज्य संख्या नहीं है। Let if possible P is not an prime number, कि P एक कौन सा नंबर नहीं है आपके, अभाज्य संख्या नहीं है। अब अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो अभाज्य संख्या की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, P greater than 1 divided by itself, खुद से डिवाइड होता हो, प्राइम नंबर होता है। अब ये कह रहा है इज नॉट अ प्राइम नंबर, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है इसका मतलब इसके कोई दो प्रॉपर फैक्टर होंगे, तो मान दिस इंप्लाइज दैट पी के कोई दो प्रॉपर फैक्टर होंगे P1 और क्या P2, तब इसके कोई दो गुणनखंड P1 व P2 विद्यमान होंगे, दैट इज P इक्वल टू क्या, P1 इंटू P2। अगर P प्राइम नंबर नहीं है तो इसके दो गुणनखंड विद्यमान होंगे, वेयर, अब गुणनखंड खुद प्राइम नंबर से तो छोटे ही होते हैं ना, जीरो से भी बड़ा है, अब गुणनखंड तो जीरो से बड़े होते हैं, इक्वल नहीं आते, पी और पी टू भी आपके जीरो से बड़ा है और पी से क्या है आपके छोटा है, ये वाले होंगे, ठीक है। अब अगर दो गुणनखंड होंगे, दिस इंप्लाइज दैट अगर पी वन का डॉट निकाले हम मल्टीप्लीकेशन डॉट मॉडुलो पी से, तो ये क्या आएगा कि पी वन पी टू को हम लोग पी से डिवाइड करें तो प्राप्त शेषफल, तो ये आपके P1 P2 आएगा, ध्यान से देखना, ये P1 P2 आएगा ये वाला, इसका मतलब ये होता है P1 P2। अब P1 P2 बट P1 डॉट P2 की वैल्यू, P1 डॉट मल्टीप्लीकेशन मॉडल ऑफ P, जो P2 की वैल्यू है हमारे पास X डॉट Y टाइप की वैल्यू, ये कितना है, जीरो, ये जीरो है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ये तो ये होता है P1 P2 क्योंकि छोटे नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन भाग शेषफल आएगा या P1 P2 आएगा, ठीक है, छोटा है तो P1 P2 आता है और अगर बड़ा होता है तो भाग देने पर प्राप्त शेषफल आता है। तो P1 क्रॉस P डॉट P2 इक्वल टू जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट P1 P2 इक्वल टू जीरो है, और अगर P1 P2 का मल्टीप्लीकेशन जीरो है इसका मतलब आइदर P1 इक्वल टू जीरो होगा, या तो P1 जीरो होगा, आइदर P1 इक्वल टू जीरो और P2 इक्वल टू जीरो, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या आ रहा है कि या तो
P1 और P2 शून्य के भाजक है, P1 इक्वल टू जीरो और P2 इक्वल टू जीरो, यही हो गया ना कि भाई ये इक्वल टू जीरो था दो नंबर्स का, क्योंकि जीरो का डिवाइड, इसका मतलब क्या हो गया, P1 व P2 किसके भाजक हैं, शून्य के भाजक हैं। भाई या तो P1 इक्वल टू जीरो हो गया या फिर क्या हो गया आपके P2 इक्वल टू जीरो हो गया। भाई P1 P2 या ऐसे लिख दो आप लोग, P1 P2 जीरो है, ऐसे ना लिख के लिखो तो आप लोग ऐसे लिख दो कि P1 P2 जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट P1 P2 की वैल्यू कौन है, P इक्वल टू जीरो है, और P इक्वल टू जीरो है इसका मतलब क्या हो गया, P1 और P2 शून्य के भाजक हैं, इसका मतलब P1 P2 शून्य के भाजक हैं, और इसका शून्य के भाजक हैं। अगर किसी इसमें शून्य के भाजक है जबकि ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स था, आइदर एक जीरो था, इसका मतलब क्या है, अतः इसका मतलब क्या है कि जेड पी एडिशन मॉडलो पी और डॉट पी एक कौन सा प्रांत नहीं है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, क्योंकि शून्य के भाजक आगे ना, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। भाई दोबारा देख लो कि प्राइम नंबर नहीं था तो हमने मान लिया कि इसके दो फैक्टर होंगे प्रॉपर फैक्टर, जहाँ पे ये P1 और P2 दोनों इसके बीच में है। अब P1 इसका मतलब क्या होता है, P1 इंटू P2 होता है, डॉट का मतलब तो डॉट ही होगा ना, भाग देने पर प्राप्त शेषफल अगर बड़ा है और अगर छोटे हैं तो डॉट का मतलब डॉट ही होगा। अब सिंस आपको ये दे रखा है कि इस डॉट पी में एक्स और वाई की वैल्यू जीरो होती है, ये जीरो होने का मतलब पी जीरो हो गया, इसका मतलब ये शून्य के भाजक हैं, पी डिवाइड कर रहा है शून्य के भाजक को, जीरो को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो डिवाइजर्स है, और अगर जीरो डिवाइजर्स हैं तो इसका मतलब वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है, इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज जो कि आपके क्या है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, विच इज कंट्राडिक्शन, क्योंकि बिकॉज क्योंकि जेड पी एडिशन मॉडलो पी मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी एक पूर्णांकीय प्रांत है, एक कौन सा प्रांत है, पूर्णांकीय प्रांत है, अतः हमारी जो मान्यता है वो गलत है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्या कि ये कौन सी नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारी मान्यता सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, मान्यता कि पी एक अभाज्य संख्या नहीं है, मान्यता भी लिख रहा हूं मैं, क्या है, पी एक अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, मान्यता क्या है, गलत है, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, फलते हम लोग क्या कह देंगे कि पी इज प्राइम नंबर, पी इज ए प्राइम नंबर, पी एक कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये थ्योरम जो है आपके इम्पोर्टेंट रिजल्ट दे रही है, यहाँ पे क्या रिजल्ट दे रही है, इसका मतलब ये है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या दे रखी है कि एक रिंग आपके डायरेक्टली इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, रिंग किस प्रकार का होना चाहिए, जेड पी कॉमा एडिशन मॉडलो पी कॉमा मल्टीप्लीकेशन मॉडलो पी आपके डायरेक्ट इंटीग्रल डोमेन होगा, यदि उसमें जो पी है आपके वो एक कौन सा नंबर हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। नेक्स्ट जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 4, वो क्या कह रहा है, देखो कि द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए रिंग विद यूनिटी फॉर्म ए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। अब यहां पे यूनिट्स किन को कहा जाता है, देखो आइडेंटिटी यहां पे दो प्रकार की है, एक तो प्लस वाले ऑपरेशन के लिए एडिशन के लिए, एक मल्टीप्लीकेशन वाले के लिए, तो दोनों है, तो यहां पे यूनिट्स कहा जाता है, यूनिट का मतलब एक होता है, आप लोग ये मत समझना यूनिटी यूनिट इकाई आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पे दो आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसने कैटेगराइज कर रखा है, उसको कहता है एडिटिव आइडेंटिटी, प्लस वाले को एडिटिव आइडेंटिटी और इसको कहता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, तो जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होता है उसी को यहां पे यूनिट कहता है, उसी को
क्या कह के चल रहा है यूनिट, तो द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स किसी तत्सम की भले में एकांक समुच्चयों का समुच्चय एक गुणन गुणात्मक ग्रुप होता है। थ्योरम नंबर 4, किसी तत्सम की क्रम विनिमय बले में तत्सम की क्रम विनिमय सॉरी तत्सम की बले दे रखा है केवल, किसी तत्सम की क्रम विनिमय बले में तत्सम की बले क्रम विनिमय में नहीं है तत्सम की बले में यूनिट्स सेट ऑफ यूनिट्स एकांकों का समुच्चय एकांकों बले के या ऐसे कर दो बले के एकांकों का समुच्चय यूनिट्स एकांकों का समुच्चय गुणात्मक मल्टीप्लीकेटिव गुणात्मक समूह होता है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होता है द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए कम्यूटेटिव रिंग इन ए रिंग विद यूनिटी कम्यूटेटिव नहीं रिंग विद यूनिटी इज मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप एक कौन सा ग्रुप होता है मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होता है सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इसके जितने भी आपके यूनिट्स है आइडेंटिटी एलिमेंट्स है। अब यूनिट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं तो यूनिटी तो आइडेंटिटी होती है यूनिट्स वो होते हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 होता है। कल मैंने बताया भी था यूनिट्स वो वाले नंबर होते हैं कल डेफिनेशन भी लिखी थी हम लोगों ने कि यूनिट्स वो वाले नंबर होते हैं किसी रिंग विद यूनिटी में जिनका मल्टीप्लीकेशन आपके कितना होता है 1 होता है। कल हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिखा था यूनिट्स इन द हम लोगों ने पढ़ा था यूनिट्स किसमें पढ़े थे यूनिट्स सेंटर ऑफ रिंग भी पढ़ा था यूनिट ऑफ रिंग भी पढ़ा था कि दो नंबर्स आपके यूनिट कहलाते हैं रिंग में यदि उनका ए बिलोंग्स टू आर के लिए वी बिलोंग्स टू आर कोई नंबर यूनिट कहलाता है यदि ए डॉट वी इक्वल टू 1 हो जस्ट लाइक जैसे माइनस 1 और 1 व्युत्क्रमणीय होते हैं एक दूसरे के तो आपके ऐसे नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 1 हो वो आपके यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे किसी रिंग में 1 और माइनस 1 क्योंकि 1 1 1 1 होता है -1 -1 1 होता है तो ये आपके यूनिट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेके चलेंगे देखो थ्योरम नंबर 4 लेके चल रहे हैं। माना कि R प्लस डॉट सबसे पहले हम लोग यही लेके चलेंगे प्रूफ फर्स्ट वी सपोज दैट माना सपोज दैट R प्लस और डॉट कोई एक तत्सम की वलय है सपोज दैट R प्लस डॉट वी एन रिंग विद यूनिटी तत्समकी कोई तत्समकी वलय है। तत्समकी क्या है वलय है आर यू रिंग विद यूनिटी है क्या कहते हैं आर यू का मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बना रखी है रिंग विद क्या है यूनिटी है। अब यू जो है तथा यू ध्यान से देखना तथा साथ ही माना तथा यू वलय आर के सभी
अवयवों का समुच्चय सभी एकांकों यूनिट्स, एकांकों यूनिट्स यूनिट्स का समुच्चय है ठीक है। सिंस वन डॉट वन करें तो कितना आता है आपके, वन आता है ना, यूनिट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन बनाना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब वन जो है किस में बिलोंग कर रहा है, यू में, और यू में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यू नॉट इक्वल टू क्या है, फाइव। नॉट इक्वल टू फाइव का मतलब क्या हो गया, यू इसके, यू एक अरिक्त, आर का एक अरिक्त सबसेट है, आर के यूनिट्स का एक क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब हम लोग ये दिखा दें कि ये आपके क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होता है, तो हमारा काम हो जाएगा। अतः यू में गुणन तत्समक, इसका मतलब है एक तो नॉट इक्वल टू फाइव हो गया, तथा अतः ऐसे कह सकते हैं यू में गुणन तत्समक वन, जिसको गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, गुणन तत्समक वन विद्यमान है, गुणन तत्समक वन विद्यमान है। एक तो ये अरिक्त हो गया और ये आपके विद्यमान है, ये भी हो गया साथ के साथ ठीक है। अब ऐसे नंबर्स ढूंढो, माना ए कॉमा वी और सी कॉमा डी, ए कॉमा वी और सी कॉमा डी, इसके एलिमेंट है यू के, अगर ये यू के एलिमेंट है तो उनके मल्टीप्लीकेशन का, उनका मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, वन होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ इन, ऑफ नहीं, इन आर यू रिंग विद यूनिटी। अब मान के चले हम लोग, क्या मान के चले कि ए कॉमा वी कॉमा सी, ए कॉमा वी और सी कॉमा डी यू के अवयव हैं। माना ए कॉमा वी, वे ए कॉमा वी बिलोंग्स टू यू, वे सी कॉमा डी बिलोंग्स टू यू, स्मॉल सी वे स्मॉल डी भी किस में बिलोंग कर रहा है, अपन के यू में बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये यू में ऐसे अवयव है सच दैट, या यू में है तब, या ऐसे लिख सकते हो सच दैट, इस प्रकार के एलिमेंट है कि ए डॉट सी इक्वल टू वन और सी डॉट ए इक्वल टू वन एंड वी डॉट डी इक्वल टू वन और डी डॉट वी इक्वल टू वन, के ए और सी का मल्टीप्लीकेशन वन है और वी और डी का मल्टीप्लीकेशन वन है, तो इसी प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं इसमें ठीक है। अब आप लोग दिखा दो कि इनका मल्टीप्लीकेशन भी एक क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन भी वन है, तो आप लोग ये निकाल दीजिए ए बी इंटू सी डी, आप लोग ये दिखा दो कि ये खुद तो यूनिट्स है, और ए बी इंटू डी सी, सी डी नहीं डी सी भी एक यूनिट है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी को ए को अलग साथ कर दो और बी डी को एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं, बी डी सी एसोसिएटिविटी साचर्यता से, कि गुणन तत्समक की साचर्यता तो होती है ना, साचर्या से गुणन तत्समक की साचर्या होती है रिंग में। अब वी डी की वैल्यू कितनी है आपके, देखो वी डी की वैल्यू कितनी है अपन के ऊपर, वन, तो वी डी की वैल्यू तो होगी वन, तो वन डॉट वन सी, तो ये आपके ए सी बन जाएगा और ए सी की वैल्यू भी कितनी है वन। दिस इंप्लाइज दैट, ये हो गया इसका मतलब ए बी इंटू डी सी की वैल्यू कितनी है वन, एक तो रिजल्ट यहाँ से आ गया पॉइंट नंबर फर्स्ट। अब उल्टा दिखा दीजिए भाई, क्लोजर प्रॉपर्टी यही तो होती है कि उसके दो एलिमेंट लो और उनका डॉट प्रोडक्ट भी उसी में आना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन के साथ। अब उल्टा दिखा दो, डी सी इंटू ए बी दिखा दो एंड डी सी इंटू ए वी दिखा दो, तो वही वापिस आपके क्या कर दो, डी सी ए वी, वही साचर्यता, गुणन तत्समक की साचर्यता, साचर्यता से ठीक है। इसकी सी ए की वैल्यू कितनी है ऊपर से वन, तो डी इंटू वन इंटू वी, यानी कि ये डी बी हो जाएगा आपके,
और डी वी की वैल्यू भी कितनी है 1, दिस इम्प्लाइज दैट डी सी और ए बी की वैल्यू भी आपके 1 आ रही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया आपके कि ए वी डॉट डी सी इक्वल टू डी सी डॉट ए बी इक्वल टू कितना प्रूफ हो रहा है 1, और ये 1 प्रूफ हो रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट ए वी डॉट डी सी किस में बिलोंग कर रहा है आपके यू में बिलोंग कर रहा है, ए बी डॉट डी सी जो है आपके किस में बिलोंग कर रहा है ए में बिलोंग कर रहा है, अतः ए कोमा बी भले आर का एकांक अवयव है इसलिए ए कोमा बी भी आर का एकांक अवयव है, अतः इसलिए ये भी किस में होगा आर में होगा, अतः ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ये आर का एकांक अवयव है क्योंकि यूनिट्स है तो यूनिट का मल्टीप्लीकेशन एकांक अवयव होता है, आर का एकांक अवयव है, या ये लाइन लिखने से पहले लिखोगे आप लोग, ये लाइन लिखने से पहले ए कॉमा बी आर का एकांक अवयव है, अगर एकांक अवयव अगर मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार आ जाता है अतः आप लोग कह सकते हो तो दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा वी इंटू ए कॉमा वी बिलोंग्स करेगा किस में यू में, ए डॉट बी आपके बिलोंग करेगा किस में बिलोंग करेगा यू में बिलोंग करेगा, फलत आपके ये हो गया फलत ए कॉमा वी और डी कॉमा सी का मल्टीप्लीकेशन 1 आने का मतलब क्या है, इनका मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आ जाए तो ए कॉमा वी भले आर का यूनिट अवयव है एकांक अवयव है, अतः ये इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है फलत है फलत है कि ए अगर बिलोंग करता है यू में और बी बिलोंग करता है यू में, दिस इंप्लाइज दैट ए कॉमा वी बिलोंग करेगा यू में, यही तो प्रूफ हुआ है कि ए कॉमा वी और सी कॉमा डी टाइप के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे थे, उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 1 आ गया ना, तो ये ए जैसे ये 2 के लिए तो 2 को 1 मान के चल रहा है एकांक अवयव है, ए कॉमा वी बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये बिलोंग कर गया इसमें, इसका मतलब क्या है पुनः प्रतिलोम की परिभाषा से c इक्वल टू कितना होगा, अगर यहाँ से अगर ये है दोनों का मतलब ये है तो यहाँ से ये भी मतलब होता है, दिस इंप्लाइज दैट c इक्वल टू a इनवर्स और दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल टू क्या है v इनवर्स, इसका मतलब ये भी होता है, मैं अब लिख रहा हूँ वहाँ जाके, तो प्रतिलोम की परिभाषा से C इक्वल टू क्या है आपके A इनवर्स, और अगर D की जरूरत पड़ती है हम लोगों को तो D इक्वल टू क्या है V इनवर्स, और जहां A और B आपके यूनिट्स एलिमेंट है और अगर ये यूनिट्स एलिमेंट है आपके तो C और D भी क्या होंगे यूनिट्स एलिमेंट होंगे, तब अगर C और D भी यूनिट्स अवयव होंगे एकांक अवयव है क्योंकि एकांक अवयवों का प्रतिलोम भी एकांक अवयव होता है, अब ये एकांक अवयव हो गए तो इनका मल्टीप्लीकेशन भी किस में बिलोंग करेगा तो सी डी भी किस में बिलोंग करेगा यू में बिलोंग करेगा, अब ए कॉमा वी बिलोंग कर गया सी कॉमा डी बिलोंग कर गया, और भले आर की दोनों संक्रिया क्या होती है एसोसिएटिव होती है, आइडेंटिटी 1 हो ही गया, देखो आइडेंटिटी 1 हो गया, दोनों संक्रियाएँ एसोसिएटिव होती है और ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, ये यहाँ पे ये इनवर्स एलिमेंट हो गए, देखो ये तो इनवर्स एलिमेंट हो गए, दोनों संक्रिया प्लस बी और डॉट बी एसोसिएटिविटी होती है एसोसिएटिव होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई कि ए कॉमा बी भी बिलोंग कर गया और सी कॉमा डी भी बिलोंग कर गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिविटी हो गई, आइडेंटिटी 1 ऊपर दिखाई दिया ठीक है, और स्टार एसोसिएटिव भी होता है, तथा दूसरा लिखो भले के दोनों संक्रियाएँ साचरीय भी होती है, भले की दोनों संक्रियाएं संक्रियाएं साचरीय होती है, अब देखो अगर भले की दोनों संक्रियाएं साचरीय होती तो U जो है किसका सबसेट है R का ही तो सबसेट है, U में R के वो वाले एलिमेंट लिए जा रहे हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट कितना है 1,
अगर ये R में एसोसिएटिव है तो उसके सबसेट में भी क्या होगी, एसोसिएटिव फलते, अपन ये कह देंगे फलते डॉट U में संब्रत है, साचर्य है, कि साचर्य है डॉट के लिए, तथा इसका तत्समक अवयव व प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तत्समक व प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, तत्समक व प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है, विद्यमान है, अतः इसका मतलब क्या है, अतः आपके U एक क्या है, गुणात्मक, गुणात्मक, गुणात्मक समूह है। तो वही है, वापिस समझ लो, देखो हमने सबसे पहले यूनिट की डेफिनेशन दी, तो इस प्रकार के एलिमेंट हो गए, इनका मतलब इनवर्स भी होता है, डॉट प्रोडक्ट वन हो जाए, तो हम लोगों ने क्या दिखा दिया कि इन दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन आपस में बना आ गया, इनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये इस प्रकार आ गए, यानी ये इसका ये भी यूनिट एक दूसरे के यूनिट एलिमेंट हो गए। अब ए कॉमा ए बी आर का एकांक अवयव है, एकांक अवयव यूनिट आ रहा है ना, ए डॉट बी तो एकांक अवयव है क्योंकि वन भी यूनिट होता है, तो ए कॉमा बी बिलोंग करेगा यू में। अब इसका मतलब क्या हो गया, फलते अगर ए यू में बिलोंग करे बी यू में बिलोंग करे तो ए कॉमा बी आ गया। प्रतिलोम की परिभाषा से यहाँ से सी इक्वल टू ए इनवर्स आ रहा है, डी इक्वल टू वी इनवर्स आ रहा है, यानी सी इक्वल टू इनवर्स डी इक्वल टू वी इनवर्स। तो देखो यूनिटी ऊपर हो गया, वन बिलोंग कर रहा है यू में, यहाँ पे इनवर्स एलिमेंट हो गया, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी हो गई, ए बी बिलोंग कर गया, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी जिसको बाइनरी ऑपरेशन कहता है, और दोनों के दोनों ऑपरेशन एसोसिएटिव भी होते हैं, अगर चारों प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिविटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट, हैंस इट इज़ आ ग्रुप। तो इसका मतलब ये इम्प्लाई हो गया कि किसी बले में यूनिट्स जो होते हैं उनका जो समुच्चय आपके कौन सा ग्रुप फॉर्म करता है, एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद अपन यूनिट नंबर थ्योरम नंबर 5 करेंगे अपन कल, थ्योरम नंबर 5 है वो हम लोग करेंगे कल, ठीक है।